जब डॉक्टर से बात करी गई है तो उन्होंने बताया है कि 30% लोग, जो हजार लोग यहाँ रह रहे हैं, उनमें से 30% के करीब लोग मैल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। उनके BMI 18 से कम है। छोटे कमरे में 46 महिलाओं को रखा हुआ है, बिस्तर एक भी नहीं है, और उनको नीचे बिना किसी गद्दे के सुलाया जाता है। कितनी शर्म की बात है कि अभी तक मंत्री यहाँ नहीं आए, अभी तक सेक्रेटरी यहाँ नहीं आए हैं, तो वो अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठे रहेंगे और यहाँ पे लोग मरते रहेंगे। जो मंत्री बैठकर एसी के कमरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनका फर्ज नहीं बनता कि वो आके यहाँ पे हालात देखें कि ये जो सरकार के मंत्री हैं और अफसर हैं, ये कमरों में बैठकर अपने एयर कंडीशन रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इंक्वायरी ऑर्डर कर रहे हैं। अरे इंक्वायरी तो हर बार होती है, इनके ऊपर कौन इंक्वायरी करेगा? FIR में इन सब लोगों का नाम होना चाहिए और इनके ऊपर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सीधे सरकार की जिम्मेदारी बनती है और मुझे बहुत शर्म आ रही है। एज एन MP फ्रॉम दिल्ली, आई फील अशेम्ड एट दिस कंडीशन। आई एम गोइंग टू रेज इट इन द पार्लियामेंट। 2 साल पहले मैं आई थी यहाँ पे, मैंने इंस्पेक्शन किया था, मैंने सरकार को एक बहुत डैमिंग रिपोर्ट दी थी, क्योंकि तब भी ऐसे ही हालत थे और इतना बुरा हाल था, इतनी बदबू थी। आज भी यहाँ पे वही बदबू है। मैं आशा किरण के अंदर अभी 2.5 घंटे से मेरा दौरा चल रहा था। मैंने अंदर जहाँ पे महिलाओं को रखा हुआ है वहाँ गई हूँ। महिलाओं से मेरी मीटिंग हुई है, डॉक्टर से मेरी मीटिंग हुई है, स्टाफ से मेरी मीटिंग हुई है, और जिन लड़कियों की मौतें हुई हैं उनकी सारी केस फाइल्स और मेडिकल फाइल्स को मैंने स्टडी कराया। मेरे माने से ये सीधे एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है। बहुत बड़ी लापरवाही करी गई है, और जो डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे, उन्होंने बार बार लड़कियों की रिपोर्ट्स में लिखा है कि मैल न्यूट्रिशन तक हुआ है। 2 लड़कियां हैं, गीता और श्रुति, उनकी फाइल्स में साफ लिखा हुआ है कि मैल न्यूट्रिशन की वो शिकार थी। यहाँ तक कि जब डॉक्टर से बात करी गई है तो उन्होंने बताया है कि 30% लोग, जो हजार लोग यहाँ रह रहे हैं, उनमें से 30% के करीब लोग मैल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। उनके BMI 18 से कम है। 20% को अलग अलग तरीके की स्किन डिजीजेस हैं। अंदर जब मैं गई, एक छोटे कमरे में 46 महिलाओं को रखा हुआ है, बिस्तर एक भी नहीं है, और उनको नीचे बिना किसी गद्दे के सुलाया जाता है। हालात ये हैं कि अगर वो 46 लड़कियां लेट जाएं तो बिल्कुल एक के ऊपर एक सोएंगी, तब जाके वो सो पाएंगी। ये हाल हो रखा है। उनमें से 2 लड़कियां जो मरी हैं, पुष्पा और गीता, दोनों लड़कियों को बेड सोर्स थे। उनकी जो फाइल पढ़ी है मैंने, उसमें साफ डॉक्टर ने लिखा हुआ है कि ये पर्सनल हाइजीन किसके निग्लिजेंस से हो रहा है, क्यों ये निग्लिजेंस हुई, बेड सोर्स होने का क्या मतलब है। ये हालात हो रखे हैं। इतनी गर्मी है अंदर, इंसान खड़ा नहीं हो पा रहा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है वहां पे AC लगा हुआ है, लेकिन जहां लड़कियों को रखा हुआ है, और 300 लड़कियां यहाँ पे हैं, महिलाएं हैं यहाँ पे, उनके लिए एक भी AC नहीं लगा हुआ। लड़कियां खुद उनमें से जो बोल पा रही हैं, वो बार बार मांग कर रही हैं कि कुछ ऐसा करवा दीजिए कि गर्मी बहुत ज्यादा हालात है। ओवर क्राउडिंग की वजह से मौत हुई है, मैल न्यूट्रिशन की वजह से मौत हुई है, हीट और डिहाइड्रेशन की वजह से मौत हुई है। और कितनी शर्म की बात है कि अभी तक मंत्री यहाँ नहीं आए हैं, अभी तक सेक्रेटरी यहाँ नहीं आए हैं, तो वो अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठे रहेंगे और यहाँ पे लोग मरते रहेंगे। कितनी शर्म की बात है। मेरे हिसाब से तुरंत FIR होनी चाहिए। ये जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जिनके भ्रष्टाचार के चलते, जिनकी लापरवाही के चलते आज ये मौतें हुई हैं, इन सब के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक रिपोर्ट बना रही हूँ और मैं ये मुद्दा पार्लियामेंट में जरूर उठाऊंगी। आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मंत्री नहीं है समाज कल्याण विभाग का, ये एक बड़ी वजह हो सकती है। जी बिल्कुल, मंत्री तो इमीडिएटली होने ही चाहिए। और जो मंत्री बैठकर AC के कमरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनका फर्ज नहीं बनता कि वो आके यहाँ पे हालात देखें। जरा आके देखिए अंदर क्या हाल है, जमीन पे पड़े हैं लोग। ये कोई तरीके हैं? आप मेंटली चैलेंज्ड, स्पेशली एबल्ड लोगों को इस तरीके से ट्रीट करेंगे? 2 साल पहले मैं आई थी यहाँ पे, मैंने इंस्पेक्शन किया था, मैंने सरकार को एक बहुत डैमिंग रिपोर्ट दी थी, क्योंकि तब भी ऐसे ही हालत थे और इतना बुरा हाल था, इतनी बदबू थी। आज भी यहाँ पे वही बदबू है।
तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो सरकार के मंत्री हैं और अफसर हैं, ये कमरों में बैठकर अपने एयर कंडीशन रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इंक्वायरी ऑर्डर कर रहे हैं। अरे इंक्वायरी तो हर बार होती है, इनके ऊपर कौन इंक्वायरी करेगा? FIR में इन सब लोगों का नाम होना चाहिए और इनके ऊपर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप जब DCW की चीफ थी उस समय भी आपने इस मसले को उठाया था, उस समय क्या एक्शन लिया गया था? जब आप DCW की चीफ थी उस समय आपने ये मसला उठाया था तो क्या एक्शन लिया गया था उस वक्त? उस समय भी एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई थी, कुछ थोड़े बहुत बदलाव करे गए थे, लेकिन आज हालात देख लीजिए, 1000 लोग रहते हैं यहाँ पे और साइकियाट्रिस्ट एक है जो 3 दिन में, हफ्ते में 3 दिन के लिए आता है। एक भी काउंसलर नहीं है यहाँ पे, कितनी वैकेंसीज है यहाँ पे, कौन जिम्मेदारी लेगा? 8 महिलाएं मरी हैं, ये वो महिलाएं हैं जो इतनी पीड़ित थीं और इनको बचाया जा सकता था। सीधे सीधे सरकार की जिम्मेदारी बनती है और मुझे बहुत शर्म आ रही है, एज एन MP फ्रॉम दिल्ली आई फील अशेम्ड एट दिस कंडीशन, आई एम गोइंग टू रेज इट इन द पार्लियामेंट।